तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर। ऑलरेडी हम लोग ने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, क्लास 9 का सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा था सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बेस पर सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये चैप्टर हमारा हो रहा है, तो जिसमें कि हम लोगों ने अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन कर दिए थे, तो अब और आगे हम लोग सम करेंगे। जैसे आपको देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है ए बी ए सी ए ई, डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम में बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ, ओके ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ये 90 दिया है, दिस गिवन ऑल, ये 45 दिया हुआ। ठीक है, और लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ऐसा भी बताया है, ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और इंफॉर्मेशन दी गई है कि BC 2 सेंटीमीटर, AD एंड BC 2 सेंटीमीटर, तो पेंसिल के AD, तो ABCD नाम दे दूँ, ABCDE, तो बोला गया है कि AD एंड BC 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये देखो 90 है, तो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों की हाइट सेम है, 2-2 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल इस लाइन से 90 हो जाएगा, बट ये एंगल जो दिया हुआ है 45 डिग्री। पूछा गया है तुम्हें ए बी बताओ, पूछा गया है ए सी बताओ, पूछा गया है ए ई बताओ अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। ठीक है ना, तो ए ई कैसे पता चलेगा, ये तो बहुत ईजी, ये लेंथ दी गई, परपेंडिकुलर गिवेन, ओके सर गिवेन, एंगल गिवेन, हाँ सर थीटा गिवेन, तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है, और तुम्हें पूछा गया हाइपोटेन्यूज, है ना, ए ही पूछा गया, हाइपोटेन्यूज पूछा गया, सॉरी ए बी क्या पूछा गया, चलो ये वाला आ जाओ, ए ही, तो ए ही क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना, ए ही, तो पी अपॉन एच लगा देना, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है ना, तो यहाँ से ए ए ई आ जाएगा। अच्छा ए सी कैसे आएगा, ए सी बहुत आसान था लग रहा है, ये ए सी चाहिए, ये लाइन दी गई 2 सेंटीमीटर और एंगल दिया है 45। ठीक है ना, देखो एसी के लिए देखो, एसी हमें चाहिए, ये लाइन मतलब कि एंगल के अपोजिट एडी, एडी कितना दिया मैंने, एडी मतलब एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर दिया मैंने। ठीक है, थीटा कितना किया मैंने, 45 डिग्री किया मैंने, और तुम्हें एसी पता करना है, एसी मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो पी अपॉन एच यानी साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री इक्वल पी अपॉन एच लगा लेना, पी आपको मालूम है, एच पता करना है, साइन 45 पता ही है वैल्यू हमें, आगे बात समझ, तो यहाँ से हम ए सी भी पता कर देंगे, ए बी पता करना है, ए बी, ए बी कितना होगा, तो कितना ईजी है, देखो देखो कितना ईजी है, ये एंगल और ये वाली लाइन जो 2 सेंटीमीटर दी, इन दोनों से हम ये डी सी पता कर देंगे, कहीं ना कहीं तो बेस हो रहा है एंगल के परपेंडिकुलर, पहले तो एच पता किया, ठीक, लेकिन आप यहाँ पे ये भी पता कर सकते हैं, डीसी पता कर सकते हैं, क्यों, एक एंगल और एक लेंथ में दिया हुआ है। अच्छा जितना डीसी का उतना ही ए भी नहीं होगा, क्यों सर, देखो मैंने कहा कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों परपेंडिकुलर हो गई थी, दोनों देखो एक लाइन, जब ये लाइन पैरेलल होती है और जब उस पर तुम अंदर अंदर सेम हाइट पर बनाओगे, सेम हाइट मतलब सेम परपेंडिकुलर है ना, मतलब परपेंडिकुलर दो लाइन, तो ये जो लेंथ है दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं, अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगे, जब ये दो अपोजिट क्या हो गया, 90 90 पैरेलल हो गया, इक्वल पैरेलल हो गया, तो ये भी लाइन क्या हो जाएगी, ए बी भी डी सी के बराबर हो जाएगी, तो जितना डी सी हो उतना ही ए बी भी हो जाएगा, ये बात, तो ये दो लाइन पैरेलल है, तो देखो जब दो लाइन पैरेलल होती है, दोनों लाइन के अंदर अंदर परपेंडिकुलर बनाओ, तो ये भी लाइन, ये जो लाइन, ये
ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कुल मिला के हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल से डी सी निकालना है, तो यही डी सी इसी एडी के बराबर हो जाएगा। ओके, ये कहानी थी, काफी इजी था ये क्वेश्चन भी। अगर ट्राइंगल टेढ़ा मेढ़ा जैसा आ जाए, लाइक तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार बड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिया हो, ठीक है ना, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल उतना खुल के नहीं दिया होगा, जैसे जैसे ये तुम्हें ये 90 ऐसे दिया हुआ है, लेकिन साथ में एक लाइन भी तुम्हें दी गई है, एक परपेंडिकुलर लाइन पड़ी हुई है इस तरीके से, यहाँ पे परपेंडिकुलर, एक बड़ा वाला देख लो एंगल, बड़ा बड़ा नाम दे दे ए बी सी, ए बी सी देख लो, अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल है, और बी डी सी भी एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है, ना ये भी एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है अपने अलग रेंज में, और ए डी बी क्योंकि यहाँ पे जब 90 है इस साइड, उस साइड भी 90 तो हुआ, कॉमन सेंस है ना, इधर 90 उधर भी 90 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन टोटल 180, तो ये भी अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल। काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, ये जो लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई है, और ये जो एंगल दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। निकालना क्या है सर, निकालना है तुम्हें बी सी ए डी एंड ए सी, ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है ना। सो बी सी, बी सी कैसे निकालोगे, बड़ा इजी है बी सी निकालना, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देख लो, है ना, ए बी सी 90 है ना, ऐसे देख लो, परपेंडिकुलर मालूम है, हाँ सर मालूम है परपेंडिकुलर कितना है, ये हमें पता है 12 है, थीटा कितना है 30 डिग्री है सर, वो बी सी निकालने में क्या दिक्कत है, बी सी एक तरीके से कहीं ना कहीं बेस हो गया, है ना, बी सी क्या हो गया, एक तरह से बेस हो गया, तो निकाल ही लेंगे ना पी अपॉन बी से, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी किसका टैन थीटा, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी 12 बेस, निकाल लेना, ये सारे क्वेश्चन उन्होंने किए हो, कैसे निकालना, और क्या निकालना है, ए डी निकालना था, ए डी ये निकालना, ये हमें फाइंड करना, ओके ए डी। अच्छा देखो 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 देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, अब ए डी में आप सोचोगे सर ए डी के लिए ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल टारगेट करें ए बी डी, कौन से ट्राइंगल को टारगेट करोगे, ए बी डी को, है ना, ए डी निकालना है ना, ए बी डी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढो, राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हमें मिल जाए, तो ए बी डी मिल गया था, लेकिन ए बी डी में मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि एक साइड तो दी गई है, कोई एक एंगल नहीं दिया हुआ 90 को छोड़ के, 90 के अलावा जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री कोई एंगल तो दिया ही नहीं है, कोई तो एक एंगल मिल जाए, कुछ तो सपोर्ट मिले, कम से कम दो इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, तो ए बी दिया था, अब ए बी परपेंडिकुलर ये भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि एक एंगल रेफरेंस हो, या तो ये एंगल मालूम पड़े या तो ये एंगल मालूम पड़े, अभी तो कुछ पता चल पाएगा, ठीक है ना, कि ए डी है क्या परपेंडिकुलर है कि बेस, ए बी तो मालूम हाइपोटेन्यूज है, क्यों 90 का पॉइंट, क्यों 90 का पॉइंट, ए बी हाइपोटेन्यूज है, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले अलग अलग के लिए अलग अलग रोल प्ले करें, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ए बी 90 डिग्री, ए बी परपेंडिकुलर हो रहा है, लेकिन इसके लिए अलग रोल, इसके लिए ये वाला 90 देखोगे 90 का पॉजिट ए बी हाथ, कोई तो एंगल हो कुछ छोटा तो हो तभी कुछ पता चले, आ जाओ वापस से बड़े वाले ट्राइंगल, इसीलिए नज़रें बहुत पक्की रखनी इस चैप्टर में, नज़रें पक्की रखनी, यार बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ए बी सी में एक एंगल 30 है, एक एंगल 90 है, एक एंगल 30 है और एक एंगल 90 है, तो 90 30 120 यही हो गया, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री भी हो गया, 180 टोटल, 60 30 90 90 180, ये एंगल 60 डिग्री हो गया बड़े वाले के हिसाब से हमने देखा, अब आ जाओ वापस छुपा के ए डी बी में, एंगल मिल जाए 60, ठीक है ना, तुम्हें ए डी चाहिए, तुम्हें हाइपोटेन्यूज मालूम है, तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता है 90 का पॉजिटिव है नहीं, और कहीं ना कहीं तुम्हें ए डी मतलब अपोजिट तो परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन तुम्हें ए डी चाहिए, ए डी मतलब बेस, बेस तुम्हें पता करना है, थीटा इस बार है 60 डिग्री, तो बी अपॉन एच लगा देना, बी अपॉन एच या कॉस 60 डिग्री को वैल्यू को रख के आंसर निकाल लें, ठीक है ना। फिर क्या पता करना था, ए सी पता करना था, ए सी, ए सी में क्या मतलब कितना ईजी है, ए सी क्यों पहले बी सी पता कर चुके हैं, बी सी और ए भी दिया हुआ है, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में दो लेंथ दी गई, पाइथागोरस मार के हाइपोटेन्यूज निकाल, है ना, कितना इजी था ये, मतलब कुछ ज़्यादा इजी नहीं लग रहा है, कुछ ज़्यादा इजी लग रहा है, ठीक है।
इसके बाद दो वर्ल्ड वाले वर्ल्डिंग वाले ये हैं, ये लैडर एंड देन काइट वाला, ये दो स्टोरी वाले मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये आप दूसरे वाले लेक्चर में क्लास टेंथ के हाइट एंड डिस्टेंस पर है क्वेश्चन, ऐसे तो ये कर लेना। अब ये वाले देखो कितने ईजी, यहाँ पर लेंथ आधी आधी थी, सब एक जैसे आधी आधी थी। देखो मैं बना रहा हूँ, आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, एंगल तोड़ के एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल दिए हुए, ये है 45 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ठीक है, ए बी सी डी, और बी सी दिया 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर इतनी लेंथ दी, ठीक है। पूछा क्या गया, पूछा गया ए बी है बी सी बताओ, ए बी बताओ है बी सी बताओ। चलो ए बी कैसे बताएं सर, चलो अगर बड़ा वाला ट्रायंगल भी ले लें तो ए बी हमें पता है कितना एंगल दिया हुआ है, ये पूरा बेस मालूम होना चाहिए, पूरा बेस मालूम है, मतलब बी डी। देखो अगर एंगल ऐसे ले लो ए डी बी, 30 डिग्री वाला एंगल ले लो ए डी बी, बेस हो जाएगा बी डी वाला, इतना बड़ा बेस परपेंडिकुलर, तो ए बी रहेगा 30 का, तो बी डी हमें मालूम नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि हमें सिर्फ बी सी पता है, बी सी और ये हमें सी डी नहीं मालूम, तो इसके एक प्लेट के लेट कर लें, एक लेट कर लो, एक सी डी को क्या लेट कर लें, एक्स लेट कर, इतना डिस्टेंस, यानी बी डी हो गया 20 प्लस एक्स, ठीक। हमें क्या पता करना, ए बी पता, तो काम करें छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाए, ये भी 45 डिग्री वाला भी जब ट्राइंगल है मेरे पास, तो छोटे वाले ट्राइंगल तुम टारगेट करोगे तुम्हें थीटा मालूम है, इसके लिए ए बी के लिए मैं कर रहा हूँ, थीटा मालूम है, हाँ सर मालूम है, कितना है 45 डिग्री है सर, ठीक। तुमको बेस मालूम है, अब देखो 45 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये होगा इतना नहीं होगा, 30 डिग्री के लिए ये बेस होगा, 45 डिग्री के लिए इतना बेस, हाँ सर बेस मालूम है, कितना है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर यानी कि ए बी नहीं पता चल जाएगा, सर पता चल जाएगा, हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है तो ए बी तो हमें पता चल जाएगा। चलो उसकी टेंशन टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। यहां बीसी जगह सीढ़ी कर लो, बीसी तो दिया ही हुआ ना। अब सवाल है सीढ़ी कैसे पता करें, सीढ़ी कैसे पता, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर मुझे पूरी लाइन पता हो तो उसमें सीढ़ी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, पूरी लाइन में सीढ़ी हटा दो, सॉरी पूरी लाइन में से बीसी हटा दो तो सी डी आ जाएगा। अगर पूरी लाइन पता होती तो मैं इसमें से 20 सेंटीमीटर जैसे कि पूरी लाइन है, सॉरी मैंने 20 हटा दिया, अच्छा कितना 80 है कि नहीं, ये है कौन। तो सवाल वही, सर पूरी लाइन मुझे कैसे पता चले, भाई अगर मुझे सी डी पता करना है इसके लिए पूरी बी डी लाइन मालूम होना चाहिए ना, बी डी लाइन मालूम होना चाहिए, बी डी अगर लाइन में मालूम होती तो मैं उसमें से बीसी हटा देता, बच जाता सी डी। डिग्री पता करने के लिए तुम बड़ा वाला ट्राइंगल टारगेट नहीं कर सकते हो क्या, 30 डिग्री वाला कर सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी टारगेट कर लो, ए बी डी में थीटा कितना मालूम है, 30 डिग्री है बड़ा वाला ट्राइंगल, परपेंडिकुलर ए बी पता है, हाँ ए बी पता है एक बार, क्यों ए बी यहाँ निकाल लिया हम लोग, निकाल चुके ना ए बी, ए बी मालूम है, अब थीटा क्या बोलते परपेंडिकुलर, यानी ए बी कौन सा रोल प्ले कर रहा है, परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है, पी हमें मालूम है, थीटा हमें मालूम, हमें बेस पता करना है, क्योंकि टैन 30 से बेस नहीं पता कर सकते, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी हमें पता है, पी कैसे पता है, पहले निकाल चुके हैं ए बी, 30 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है, बेस निकालना है, बी डी आ जाएगा, इस पूरी बी डी में से 20 सेंटीमीटर हटा दे, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे सारे इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए, जैसे कि क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है जो ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये डिग्री ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 90 है, ए बी सी डी अब की बार
पहले ये दिया था ना, आपके पास ये दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तुम्हें ए बी भी पता करना है, तुम्हें ए डी भी पता करना है, तुम्हें बी सी भी पता करना है, तुम्हें बी डी भी पता करना है। कुल मिला के बी डी अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे वाली में बी डी पता करेंगे, ये वाली लेंथ निकाल लेंगे, ये मालूम पड़ जाएगा दिस प्लस दिस करके बी डी निकाल लेंगे वाली लेंथ, है ना। तो ये लेंथ यानी कि बी सी पता कर लेंगे कितनी है। तो सर बी सी कैसे पता करेंगे, हमारे पास तो कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं बी सी पता करने की। बी सी पता करने के लिए कोई एक तो लाइन को मालूम होना चाहिए, चाहिए पता हो इतना मालूम है, चाहिए मालूम है, चाहिए मालूम मालूम हो, अगर छोटे वाले ट्राइंगलर टारगेट ये वाले, या तो हाइपोटेन्यूज पता हो, या तो बेस पता हो, या तो परपेंडिकुलर मालूम हो, कुछ तो मालूम होना चाहिए। बी सी कैसे पता करें, इन्फॉर्मेशन ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करने का मालूम है, लेट कर लो पहले बी सी को एक्स, ये लेंथ हमने एक्स लेंथ यानी कि बी डी कितना हो गया एक्स प्लस 20 हो गया, ओके एक्स प्लस 20। फाइनल इन्फॉर्मेशन नहीं पता चले, मतलब ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है कि ए बी जो परपेंडिकुलर है वो इस वाले ट्राइंगल के लिए भी है छोटे वाले, ए बी जो परपेंडिकुलर है वो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी है ना, एंगल का बोलिए परपेंडिकुलर एंगल का बोलिए, यानी दोनों के लिए भी कॉमन है। इस वाले ट्राइंगल से एक इक्वेशन बनाएंगे और इस यानी बड़े वाले ट्राइंगल से भी एक इक्वेशन बनाएंगे। पहले क्या करें, छोटे ट्राइंगल इक्वेशन बनाए, पहले हमने छोटे ट्राइंगल इक्वेशन बनाई, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी ए बी सी में जो परपेंडिकुलर है यानी ए बी है ये तो हमें नहीं पता, मतलब नहीं पता। अच्छा जो बेस है 60 के अपोजिट ना, ए बी सी वाला 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हुआ, बेस तो कि बी सी है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हम कहेंगे हाँ एक्स लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया हमने एक्स, एंगल कितना है एंगल है 60 डिग्री, चलो यानी पी अपॉन बी की बात हो रही है तो फटाफट लगा दो टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी इज इक्वल टू पी 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 पी, कितना है ए बी है बी, बेस कितना है एक्स है, तो टैन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स, टैन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री और एक्स यहाँ डिवाइड में धरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए बी, ए बी के एक इक्वेशन निकल छोटे वाले ट्राइंगल। अब ए बी की एक और इक्वेशन निकाल लो बड़े वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ले लें ए बी डी ले लें, ए बी डी में परपेंडिकुलर क्या है ए बी है सर, है ना 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर, बेस क्या है सर बेस मतलब अगर 30 यहाँ से ले रहे पूरा इतना बड़ा बेस होगा, एक्स प्लस 20 है सर, है ना बेस बी डी एक्स प्लस 20 है सर, एंगल कितना है एंगल सर 30 डिग्री, वापस पी अपॉन बी की बात होगी, पी अपॉन बी की बात होगी वापस लगा लो क्या आपके बाद, लेकिन टेन 30 डिग्री लगाना पी अपॉन बी, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू पी, पी कितना दिया हो सर पी तो नहीं पता, ए बी हमें नहीं मालूम, ए बी को यहाँ पे छोड़ दिया तब आएगा बेस, बेस क्या है एक्स प्लस 20, ये भी प्लस दिस प्लस एक्स प्लस 20 बड़ा होना बेस। चलो यहाँ से ए बी की एक इक्वेशन निकाल लो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो इसकी ए बी की जगह ये वैल्यू भी यहाँ रख √3/√3 × x, ए बी हमें समझो एक तरह मालूम ही है √3, ए बी को हटा दो ए बी की वैल्यू अब तो √3 है, ठीक है ना, तो ये भी कर सकते हो आप, तो वैसे कर लो चलो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की जगह √3 x रख दो और x प्लस 20 दो हमारा चलेगा, ठीक है ना, ए बी जो हमने क्या किया √3/substitute कर दिया, ए बी की वैल्यू हमें मालूम पड़ती है एक तरीके से, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो ए बी की यहाँ से इक्वेशन निकाल लो एक्स प्लस 20/√3 तो ए बी इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू दिस, ए बी ए बी क्या हो जाए इक्वेट हो जाएगी तो अदर साइड भी इक्वेट हो जाए, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे चाहो वैसे कर लो जैसे चाहो, तो मैंने वैल्यू की ए बी को सब्स्टिट्यूट कर, अब क्या करो उसके सॉल्व करने फ्रैक्शन है √3 इधर भेजो एक्स प्लस 20 इधर भेजो मल्टीप्लाई में, एक्स प्लस 20 इधर आ गया √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 × √3 x, है ना एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू √3 × √3 3x, √3 हो जाएगा 3x इधर ला के 20 उधर लिया या x को उधर भेज दो कुछ भी कर लो, तो 20 इज इक्वल टू 3x प्लस x उधर जाके माइनस x हो जाएगा 3x माइनस x 2x, 2 नीचे डिवाइड में आएगा तो x आएगा 10, ठीक है ना, x की वैल्यू 10 आ गई, लो हम खुश हो गए क्या क्योंकि x की वैल्यू 10 आ गई, इतनी बी सी की वैल्यू 10 आ गई मालूम पड़ गया,
सर बी डी कितना है, तो 10 प्लस 20 30, बी डी भी मालूम पड़ गया। सर ए बी तो अभी तक नहीं पता चला, ए बी के सर आता पता ही नहीं। अरे कैसे आता पता नहीं, एस की वैल्यू मालूम पड़ गई ना, ए बी इक्वल टू दिस था √3, एस की वैल्यू कितनी आई 10 आई, √3 × 10 इज इक्वल टू ए बी, एस की वैल्यू डाल दो 10, ए बी भी आ गया 1.73, √3 की वैल्यू होती है 1.73 × 10 इज इक्वल टू ए बी, 10 से मल्टीप्लाई करो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 17.3 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये सारी चीजें, हाँ 1.732 ले सकते। ठीक है, √3 की वैल्यू, तो कितना आसान था, दो बार में कर रहे हैं, छोटे ट्राइंगल से फिर बड़े ट्राइंगल से, या पहले बड़े या फिर छोटे, जैसा आसान लगे वैसे। और जहां पर सेकंड टाइम वापस ए बी क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर कॉमन है दोनों, ये भी परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए भी है, ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए भी है। तो ऐसे हम ऐसे कर रहे हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि टेन एक्स इज इक्वल टू 5/12 और वाई इज इक्वल टू 3/4, कुछ ऐसे दिया हुआ है। एक लाइन और है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, बोला गया है टेन एक्स का रेशियो 5/12 है, टेन वाई का ये वाई है, ये एंगल है एक्स एंगल वाई एंगल 3/4, और ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ए बी जो दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, ए बी की लेंथ कितनी 48 दी गई। हमें सी डी पता करना है, हमें परपेंडिकुलर पता करना है, ठीक है ना। तो टेन एक्स है 5/12, टेन एक्स मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन वाई है 3/4, टेन वाई कितना है मतलब टेन वाई मतलब क्या हुआ, टेन वाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 3/4, ये एक रेशियो दिया हो, यानी कि ये अगर इसमें देखोगे आप रेशियो वाइज, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, बेस दिया है 4, रेशियो में दिया ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल अलग है 48 सेंटीमीटर अलग, मतलब नहीं ये 3/4 दिया हो। ठीक है, इसमें वही सेम चीज करो, पहले आप रेशियो वाइज जाओ, पहले कैसे जाएंगे हम लोग रेशियो वाइज चाहिए, तो रेशियो वाइज 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लो, इसका रेशियो क्या पूरे का, समझो ये 3 है, ये वाला 4 है, ठीक है, ये वाला 4 है, तो 3 और 4 से रेशियो से हम लोग निकालेंगे। देखो टेन एक्स दिया 5/12, एक्स पाई 5/12 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन के लिए परपेंडिकुलर क्या है सी डी है, और बेस क्या है ए सी, ओके ए सी। अब यहां पे कंपैरिजन में आ जाओ, यहां पे लिखो रेशियो, यहां पे लिखो एक्चुअल, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो और एक्चुअल का कंपैरिजन है। देखो अब रेशियो में परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, अगर टेन एक्स से बात करें, इससे बात करें टेन एक्स के लिए 5 है, देखो ये जो दिया हुआ है 3/4 टेन वाई के साथ है, हम एक्स के साथ देख रहे हैं, इसके साथ एक्स के साथ 5/12 यानी परपेंडिकुलर है 5, और एक्चुअल कितना है हमें नहीं पता, ठीक है ना, हमें नहीं पता। अच्छा बेस देखो, बेस रेशियो में कितना है, बेस रेशियो में 12 है, बेस रेशियो में कितना है 12, और एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में 48 प्लस 4, नहीं 4 रेशियो वाला था, वो रेशियो वाला 48 प्लस BC, नहीं पता हमें 48 प्लस BC, वो रेशियो वाला। एक तो ये लगा लिया हमने एक्स वाले ट्राइंगल से, ठीक है, अब यहां क्या करते क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12x इज इक्वल टू 5 × 48 + BC, 12x 48 × 5 = 240 + 5 BC, 5 के दोनों से मल्टीप्लाई करा दो,
एक्चुअल मान लो तुम 48 प्लस एक्स ना मानो, एक काम करें एक्चुअल एक्चुअल पी मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स क्योंकि यूज हुआ है ना 12, ठीक है ना। तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया, 240 प्लस 5 बी सी बाई 12, ये परपेंडिकुलर निकाला है। अब छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाओ, रेशियो ले लो, एक्चुअल ले लो। छोटे ट्राइंगल रेशियो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एक्चुअल कितना दिया है, नहीं हमने पी मानी, कितना मानेंगे पी। बेस कितना दिया हुआ है, बेस ये नहीं पता, बी सी है ठीक है ना। बेस हमें 4 दिया हुआ है, सॉरी रेशियो वाइज 4 दिया है ना, 3/4, 4। एक्चुअल वाला हमें नहीं पता, इसको लेट कर लो, बी सी हमें नहीं। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4p इज इक्वल टू 3bc, p इज इक्वल टू 3bc बाई, देखो यहाँ पे p p इक्वल, तो ये दोनों आपस में स्टेटमेंट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अदर साइड में। यहाँ कर लो 240 प्लस 5bc अपॉन 12 इज इक्वल टू 3bc, यहाँ पे p इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे p इज इक्वल टू दिस। बस अब पूरे में तुम्हें क्या, पूरे में bc नहीं मालूम, bc निकाल लो, bc निकालने में क्या दिक्कत है, 4 1 था 4 3 था है ना, और इधर आके मल्टीप्लाई हो गए, इससे डिवाइड करें 3 आके उधर मल्टीप्लाई करा दो, 3 3 9 BC हो जाए, फिर 5 इधर जाके माइनस करा दो, 9 BC में से 5 BC चला जाएगा, बचेगा 4 BC, 4 लाके डिवाइड करा दो, हो जाएगा 60 BC, आ गया 60 आ गया, या आ गया 60 आ गया। तो पूरी एसी कितनी हो जाएगी, 48 प्लस 60 हो जाएगी ठीक है ना। अब सर पी कैसे आएगा, अरे भाई इसमें डाल दो ना, बीसी मालूम पड़ गया ना, पी इज इक्वल टू 3 BC/4 है, बीसी का बीसी डाल देना, 3 इंटू 60/4 निकाल लेना आंसर पी का। तो ये सब ऐसे किए जाते,